So hello guys, here I am with my new video on class 10 biology, heredity and evolution, and I would like if you suggest me in comment section for my next video. So let's start. So heredity and evolution, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पहले मतलब समझना चाहिए कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें तो बेसिकली हेरिडिटी क्या है, तो देखिए जैसे कि हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कि वो जो आपके पेरेंट्स के कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स जो आप में दिखाई देते हैं वो आपकी हेरिडिटी से आए हैं. मतलब हेरिडिटी वो है जो कि कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं. और वहीं जो चेंजेस आते हैं, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि जब आप पेरेंट्स से जो बच्चों में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को वेरिएशन कहा जाता है. मतलब जो समानताएँ दिखेगी वो होगी हेरिडिटी, यानी कि जो सेम फीचर्स या सेम बोल सकते हैं सेम कैरेक्टर्स होंगे वो कहलाते हैं हेरिडिटी. और वहीं जो डिफरेंस आता है आप में और आपके पेरेंट्स में वो कहलाते हैं वेरिएशंस. तो आपको हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आया कि हेरिडिटी वो जो आप में समानताएं हैं आपके पेरेंट्स से और वेरिएशन वो जो चेंज है, क्योंकि आप ना एग्जैक्ट कॉपी हो ना कम्प्लीटली अलग हो. कुछ समानताएँ वो आपकी हेरिडिटी है और कुछ चेंजेस वो आपके वेरिएशन है, और ये आपकी एक अलग इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं. इसलिए आप ना एग्जैक्ट कॉपी मदर के होते हो ना एग्जैक्ट कॉपी फादर के. अब बात आती है कि इवोल्यूशन क्या होता है. जैसे चैप्टर इज हेरिडिटी, तो हेरिडिटी आपको समझ में आया. तो कहने से हेरिडिटी को कि रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, टेक्सचर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज एंड शेप ऑफ नोज एंड चिन एक्सेट्रा आर कॉल्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. कैरेक्टर्स को इस चैप्टर में हम ट्रेट्स कहेंगे. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. सो कहने से कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उसे हेरिडिटी कहा जाता है. तो डेफिनेशन ये होगी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. वहीं अगर वेरिएशन की बात करें, सो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन. यानी कि जो डिफरेंसेस है कैरेक्टर्स में अमॉन्ग इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पीसीज, जैसे कि वेस्ट इंडीज, चाइनीज, इंडियन, सब लोग अलग दिखते हैं बट स्पीसीज सेम है, तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी में चेंजेस जो है वो वेरिएशन कहलाते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल फ्री लोब और अटैच्ड ईयर लोब. आप अपने ही कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके देख सकते हो कि जो कान होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच होते हैं यहाँ. और कुछ कुछ लोगों के कान होते हैं जो ऐसे फ्री होते हैं, इसे फ्री ईयर लोब कहा जाता है, इसे अटैच्ड ईयर लोब कहा जाता है. ये वेरिएशन हमें देखने मिलता है ह्यूमन बींग्स में. ना वट इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है. अगर हम बात करने जाए कि इवोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमने देखा है कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद आती है. यानी कि अगर हम डेफिनेशन देखें, क्योंकि हम चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स सी वट इज़ इवोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म. अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो पहले हम एप से इंसान जब बने, यानी कि जब हम ह्यूमन बने, तो ऐसा नहीं था कि एप से डायरेक्टली हम ह्यूमन बन गए थे. हम बीच में बहुत सारे स्टेजेस से चेंजेस थोड़े थोड़े चेंजेस करते फिर ह्यूमन बने हैं. तो ये हम सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में आए हैं. सिंपल लाइफ फॉर्म क्योंकि तब हम गुफा में रहते थे, हम कोई स्कूल नहीं जाते थे. अब हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम लोग सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करें. तो सिंपल फॉर्म से हम बने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में बाई ग्रेजुअल चेंज. ये चेंजेस ग्रेजुअल थे. पहले बॉडी हेयर्स गए, फिर पूछ गई, मतलब धीरे धीरे जो छोटे छोटे चेंजेस आए इसने जनरेट किया डाइवर्सिटी को एंड शेप किया डाइवर्सिटी को. इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इवोल्यूशन. क्लियर? और हाँ, एक बात कि जैसे हेरिडिटी और वेरिएशन जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने मिलते हैं, बट इवोल्यूशन आपको जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में देखने नहीं मिलेगा. इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी एक स्पीसीज में सामने आने के लिए. तो हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स अभी कवर करने वाले हैं वो है सारे डेफिनेशंस. जो ये सारे आपको दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, क्योंकि ये क्लियर होंगे तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे जिसमें हम डीप में जाएंगे तो आपको वो टॉपिक्स भी समझ में आएंगे. फिर है अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स. फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में. स्पीसिएशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड्स में. मेंडल एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशंस. तो क्रोमोसोम क्या है? तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल में, जो कि बना होता है डीएनए से, विच कैरीज द जीन्स. और ये डीएनए से बनके जो जीन कैरी करता है और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्रोमोसोम बोलते हैं.
जीन क्या है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का डीएनए जीन को कैरी करता है। तो कहने से इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि यहाँ पे बात करें व्हाट इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल कि हम अगर देखें तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये एक जीन कैरी करके जाएगा। मतलब ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया और ये उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का पर्टिकुलर जीन हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये एक यूनिट है डीएनए का जिसमें जो गवर्न करता है सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन आर एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। अब डोमिनेंट जीन क्या होता है, तो लेट्स सी डोमिनेंट जीन क्या होता है। सो द जीन विच डिसाइड्स द अपियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा टॉल है और आपकी मम्मी शॉर्ट है, तो टॉलनेस प्योर टॉल का कैपिटल कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फॉर एग्जाम्पल इस ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब है कि डोमिनेंट और स्मॉल टी का मतलब है रेसेसिव। तो रेसेसिव जो होता है वो अपना कैरेक्टर शॉर्टनेस तभी दिखा पाता है जब साइड वाला भी रेसेसिव हो, और टॉलनेस अपना कैरेक्टर तभी दिखा पाएगा जब वो अकेला हो तो भी और साथ में दूसरा टॉल हो तो भी। मतलब ये अकेला काफ़ी है अपनी टॉलनेस को दिखाने के लिए, बट ये अकेला काफ़ी नहीं है शॉर्टनेस दिखाने के लिए। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये भी टॉल दिखेगा क्योंकि यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है और स्मॉल टी रेसेसिव जीन है। तो आपको डोमिनेंट जीन समझ में आया, मतलब डोमिनेंट जीन वो है कि वो किसी के भी प्रेजेंस में अपनी टॉलनेस जो है वो शो कर सकता है, इसलिए वो डोमिनेंट कहलाता है। मतलब ये ज़्यादा ताकतवर जीन है। वहीं स्मॉल टी तभी शॉर्टनेस दिखा सकता है जब साथ वाला भी कैसा हो, स्मॉल टी। तो इससे हमें दो डेफिनेशन समझी, रेसेसिव जीन की और सॉरी डोमिनेंट जीन की और रेसेसिव जीन की। तो रेसेसिव जीन क्या होता है, द जीन विच कैन डिसाइड अपियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनादर आइडेंटिकल जीन। मतलब कि अगर स्मॉल टी है तो ये शॉर्ट तभी दिख सकता है जब उसका जो पेयरिंग जीन है वो भी कैसा हो, स्मॉल टी। सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। रेसेसिव जीन को हमेशा स्मॉल से डिनोट किया जाता है, वहीं डोमिनेंट को कैपिटल से। अब जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन विच प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स सच एज कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, वेयर टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जीन कौन सा है, हाइट का, बट फॉर्म कौन सा है, टॉल और शॉर्ट। सो अब जीनोटाइप क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये है, इसे बोलते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप इज अ मिक्सचर ऑफ डोमिनेंट और रेसेसिव, और डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव रेसेसिव। ये वाला जो पेयर है जीनोटाइप का, इसमें बेसिकली ये कैसा दिखने वाला है, टॉल दिखने वाला है क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो टॉल दिखना इज फीनोटाइप। मतलब कि जीनोटाइप क्या, जीन का अंदर क्या है, और फिनोटाइप क्या कि जीनोटाइप का जो रिजल्ट है, जीनोटाइप का जो रिजल्ट है वो क्या दिखने वाला है। तो जीनोटाइप का रिजल्ट टॉल दिखने वाला है तो वो कहलाएगा फिनोटाइप, और जीन के अंदर जो है वो कहलाएगा जीनोटाइप। तो इससे दो डेफिनेशन क्लियर हुई, जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल, क्योंकि विजिबल तो टॉलनेस है ना, विजिबल जीनोटाइप विजिबल नहीं है, जीनोटाइप तो अंदर क्या है वो प्रेजेंट बता रहा है। तो टॉलनेस हमारी क्या हुई, फिनोटाइप, यानी कि जो विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। जैसे कि जीनोटाइप कैपिटल टी मतलब कि फिनोटाइप टॉल, और जीनोटाइप स्मॉल टी मतलब फिनोटाइप ड्वार्फ। अब F1 जनरेशन इज क्या है, F1 इज द फिलियल। अब फिलियल वर्ड क्या है, तो फिलियल वर्ड का मतलब होता है सन और डॉटर इन लैटिन, सन और डॉटर। तो फिलियल यानी कि फर्स्ट, फिलियल यानी कि फर्स्ट सन और फर्स्ट डॉटर, यानी कि F1 जनरेशन। तो जब आप किसी का क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हो, तो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अब इनका क्रॉस करवाएंगे, इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं बराबर। तो ये ऐसे कुछ रिजल्ट देगा जो कि कहलाएगा F1 जनरेशन। और अब जब आप इसे आगे क्रॉस करवाओगे तो ये आपको देगा F2 जनरेशन, ये कहलाएगी F2 जनरेशन। समझ में आया, दादा मम्मी पापा हम, दादा मम्मी पापा हम, यानी मम्मी पापा इज द फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, और हम F2 जनरेशन। क्लियर हुआ। तो F1 जनरेशन व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस प्रोड्यूस प्रोगनी, देन देयर प्रोगनी इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। वहीं व्हेन F1 प्रोगनी क्रॉस अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन प्रोगनी, देन दिस प्रोगनी इज कॉल्ड F2 जनरेशन।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेड्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब आप सोचो कि मैंने इसको डिफरेंशिएट बिटवीन जैसा क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में हमें ज़्यादातर डिफरेंशिएट बिटवीन लिखना होता है। और देखो जब हम डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ते हैं ना, तो कभी अगर कोई एक टॉपिक आता है तो भी हम उसके चार पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं। तो बेटर कि जब कोई टॉपिक्स ऐसे हो जिसमें कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस बहुत ही पक्के हो, तो आप उसको डिफरेंशिएट बिटवीन तरीके से लाइन याद करो, क्योंकि आप इससे तीन चीज़ें कवर करते हो। एक उनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ गए तो भी, दूसरा डिफरेंस बिटवीन आ गए तो भी, और अगर कहीं बीच में कोई क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन में, तो आप वो भी लिख पाओगे इनके टॉपिक्स पे बेस पे। नाउ लेट्स सी इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स की अगर एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि इनहेरिटेड वो है जो इनहेरिट होते हैं आपके पेरेंट्स से आप में, और वो जीन्स के अंदर होते हैं इसलिए वो ट्रांसफ़र हुए। जैसे आई का कलर कैन बी इनहेरिटेड, बट क्या आपने स्विमिंग सीखी है तो क्या स्विमिंग का कोई जीन बन जाएगा क्या आपके लाइफ स्पैन में? नहीं। तो आप जिन्हें जो स्विमिंग सीखी है, आपने जो कार चलाना सीखा है, ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये जो चीज़ें आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जो आपने अपने लाइफ में सीखी है, उन्हें अक्वायर्ड ट्रेट्स कहा जाता है। जैसे कि इनहेरिटेड्स का एग्जाम्पल सॉरी डेफिनेशन देखें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन से जो हमें मिला दैट इज़ इनहेरिटेड, और अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड, अकर ड्यू टू द चेंज इन जीन और डी एन ए। ऑब्वियसली आई कलर कैन बी द ट्रांसफर ऑफ द जीन विच स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई कलर, एंड एक्वायर्ड में नो चेंज इन जीन और डी एन ए, क्योंकि स्विमिंग सीखने से स्विमिंग का जीन हमारे क्रोमोसोम में अटैच नहीं होता। नाउ पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ऑब्वियसली इफ़ यू आर लाइक ब्राउन आई पर्सन, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ब्राउन आई का जीन जाने की संभावना है। तो पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। नाउ रेड कर्ली हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड, क्योंकि रेड कर्ली हेयर या ब्राउन आई ये इनहेरिट हो सकती है, बट साइकिलिंग स्विमिंग इनहेरिट नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन मेल जो होता है, ह्यूमन मेल में स्पर्म सेल जो होता है, बराबर स्पर्म सेल जो होता है वो आइदर एक्स हो सकते हैं या फिर वही स्पर्म सेल आइदर वाई हो सकते हैं। यानी ये जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसकी भी तो पेयरिंग होगी, बराबर। तो वो पेयरिंग आइदर वाई स्पर्म सेल हो सकता है या तो वो एक्स स्पर्म सेल हो सकता है। वहीं अगर फीमेल में देखें तो फीमेल भी आपको पता है वहाँ स्पर्म्स नहीं होते, वहाँ एक एग सेल होता है, सिर्फ एक एग सेल, और उसका पेयरिंग जो होता है वो सिर्फ एक्स एक्स का होता है। अगर वाई स्पर्म सेल मेल का फीमेल के एक्स के साथ जुड़ेगा तो वो बनाएगा एक्स वाई पेयरिंग। बोलो एक्स वाई पेयरिंग किसकी थी? मेल की। वहीं अगर मेल का एक्स स्पर्म अगर यहाँ के एक्स से मिला तो वो बनेगा एक्स एक्स पेयरिंग, यानी कि ये किसकी पेयरिंग थी? फीमेल की। तो ये बनेगा फीमेल और ये बनेगा मेल। तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मेल का जब एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ जुड़े तो वो एक्स एक्स फीमेल क्रिएट करेगा, वहीं अगर मेल का स्पर्म वाई फीमेल के एक्स के साथ जुड़े तो वो मेल क्रिएट करेगा। क्लियर? नाउ इसको लिखना कैसे है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लिखना कैसे, तो लेट्स सी द फिनोमेना और प्रोसेस विच डिटरमाइंस वेदर अ डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी अ मेल और फीमेल इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि इसे लर्न कैसे करें, कि ये एक प्रोसेस फिनोमेना जिससे आप डिटरमाइन कर सको कि डेवलपिंग एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल, वो कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि प्रोसेस बाय विच यू कैन डिटरमाइन आइदर द एम्ब्रियो विल बी मेल और फीमेल, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक मैकेनिज्म आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप ये चीज़ गूगल पे चेक कीजिएगा कि अगर आप देखें तो जो कछुआ होता है उसके जो अंडे को अगर ज़्यादा गर्मी दोगे तो मेल पैदा होता है या कम गर्मी दोगे तो मेल पैदा होता है, ये आप चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करते हैं कि आइदर मेल होगा या फीमेल, उनमें ये एक्स वाई मैकेनिज्म काम नहीं करता। अगर अंडे को ज़्यादा गर्मी दी तो मेल, कम गर्मी दी तो फीमेल, वॉट एवर दैट इज, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नाउ ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हमें भी पता है कि हमारे पास टोटल 23 क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो 23 पेयरिंग में से 22 होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो हमारे नॉर्मल होते हैं, जैसे कि हमारा हेयर टेक्सचर, हमारा स्किन कलर, ये सारे ऑटोसोम्स। और जो एक एक होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये वाला, ये है सेक्स क्रोमोसोम, ये भी है सेक्स क्रोमोसोम। नाउ तो वो पहले बताएंगे कि 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। नाउ फीमेल्स हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम। देखा आपने, हमने अभी पढ़ा कि फीमेल जो होता है उसको सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, वेर एज मेल हैव डिससिमिलर, यानी कि एक्स और वाई डिससिमिलर है, एक्स एक्स सिमिलर है। तो ये चीज़ भी आप लिखोगे, ऑल एक्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम्स वाइल
स्पर्म मे कैरी एक्स और वाई क्रोमोसोम। देखा आपने कि सारे जो एक्सेल होंगे उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होंगे, वहीं पे मेल के कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स वाई। नाउ अब है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द एग फ्यूजेस विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, तो रिजल्टिंग इज अ फीमेल। अब रिजल्टिंग फीमेल कब होगी, कि मेल का एक्स एक्स स्पर्म अगर एक्स एग के एक्स के साथ जुड़ रहा है तो रिजल्टिंग इज फीमेल, और वहीं अगर मेल का वाई एक्स के साथ जुड़ रहा है तो रिजल्टिंग विल बी मेल। सो दिस वॉज सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ सी व्हाट इज स्पीसिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आप सोच नहीं सकते। कि जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए ना, तो एग्जाम्पल में हमें लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक रीजन था, जैसे कि कुछ पहाड़ थे और उसमें से बीच में से एक नदी निकलती थी छोटी, फिर कुछ समय के बाद वो नदी ने इतना ब्रॉड होना स्टार्ट कर दिया कि ये जो दो पहाड़ थे वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी जगह जो ये प्लेट्स थी वो सरक गई, और जो कुछ यहाँ पे गिलहरियाँ रहती थी और यहाँ पे जो गिलहरियाँ रहती थी ये दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से, यानी कि इनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ गया है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब कि उनकी जो हैबिटेट एक साथ रहते थे वो अलग अलग हो गए हैं। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत बर्फ गिरने लगी थी, यहाँ पे यानी ठंडा मौसम था वेरी कोल्ड, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल टेरेस्ट्रियल जो फॉरेस्ट वाला मौसम होता है वो था। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो गिलहरियाँ थी इसको मैं G1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो गिलहरियाँ थे उसको मैं G2 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कोल्ड वाले वेदर में जो गिलहरियाँ थी उन लोगों ने अपने जो पूरे सेक्स बोल सकते हैं कि भूल सकते हैं कि सेक्सुअल अडेप्टेशन उस तरीके से किए कि उनका बॉडी ठंड में रहने के लिए अडेप्ट हो गया, वही यहाँ के वैसे ही रहे जैसे पहले थे, मतलब उन्होंने अपने आप को इस हैबिटेट में ढाल लिया था। तो अब कुछ सालों बाद अगर यहाँ की गिलहरी इस गिलहरी के साथ क्रॉस करना चाहेगी ना, तो वो क्रॉस पॉसिबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जियोग्राफिकल आइसोलेटेड हो गए हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया है। मतलब इवन बीइंग द सेम स्पीसीज, एक ज़माने में जब ये स्पीसीज सेम थी, बट क्योंकि अब ये जगह के कारण अपने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्होंने आइसोलेशन कर दिया है, तो अब इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अब ये दोनों अलग स्पीसीज कहलाएगी। तो कहने से कि स्पीसीएशन क्या है, कि इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमॉन्ग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। वंस इंटरब्रीडिंग क्योंकि पहले गिलहरियाँ एक ज़माने में एक साथ रिप्रोडक्शन कर रही थी, इंटरब्रीड कर रही थी, बट क्योंकि अब इनके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आइसोलेशन हो रहा है, क्योंकि अब ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि अब इन्होंने अलग अडेप्टेशन को ढाल लिया है। सो द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर स्पीसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, तो अब ये दो स्पीसीज कहलाएगी, ये स्पीसीज अलग और ये स्पीसीज अलग, क्योंकि अब इन लोगों के अडेप्टेशन अलग हो गए हैं। सो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, सो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ओरिजिन किया न्यू स्पीसीज का ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्ट हो रही थी उसमें से। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज आर फॉलोइंग। पहला, जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स सच एज माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड सी। द जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अगर जियोग्राफिकल यानी कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आइसोलेट हो जाएगा, मतलब वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाएगा, अब वो आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, कॉज बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन बाय चांस अलोन। अब अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, तो फॉर एग्जांपल कि ग्रीन बीटल्स जो होते हैं वो आपको जो पक्षी होते हैं उन लोगों को नहीं दिख सकते, तो ग्रीन बीटल्स इसलिए बहुत बढ़ रहे हैं दुनिया में क्योंकि पक्षी उन्हें ग्रीन लीव्स पर नहीं देख सकते। बट वहीं अगर एक हाथी पेड़ खाने आया तो वो पूरी ब्रांच को खा सकता है, जिससे सारे ग्रीन बीटल्स भी मर सकते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे से बच रहे हो, सॉरी किसी पहले से बच रहे हो, तो आप दूसरे से भी बच जाओ। अगर आप मतलब बोल सकते हैं कि अगर आप फंस जाते हो, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीटली वैनिश हो जाता है पूरा स्पीसीज, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट में आता है। अब सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरली सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट देखें हम लोग, तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन वाला टॉपिक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार चीज़ें लिख सकते हैं कि जिसके वजह से स्पीसीएशन होता है, दैट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नाउ थैंक यू गाइज, अब आगे का मुझे पार्ट टू में करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो एक्सीडिंग 20 मिनट्स। सो तो अब ऐसा करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे टॉपिक्स कवर करेंगे, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से मैथ साइंस जो भी टॉपिक करने हैं, आप मुझे चैप्टर सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल स्टार्ट अपलोडिंग। थैंक यू सो मच एंड